तो फ्रेंड्स ओडिशा फॉरेस्ट गार्ड रे वर्तमान नियुक्ति बाहरी जो थी कि 1677 पोस्ट बाहरी रिक्रूटमेंट कैलेंडर रे 802 पोस्ट देखा से आपको कहती 1600 पाखापाखी पोस्ट बाहर जो थी कि वर्तमान ओडिशा फॉरेस्ट गार्ड रे केवल 1677 पोस्ट बाहरी जदि आपने फॉर्म पकेबा चाहती बा फॉरेस्ट गार्ड हाँपी चाहती ताहले 26 अक्टूबर रु 25 नवंबर पर्यंत ऑनलाइन फॉर्म पड़ुछि जोटा कि ओडिशा सबडिजनल स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो ऑफिशियल वेबसाइट रे जदि आपण माने फॉर्म पकेबा चाहती ताहले तार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस ए विषय में कम्प्लीट जानतु जहाँकि आपंकर डाउट रही बयस शिक्षागत योग्यता ठार हाइट वेट तापर आपणकर जो कैडर चूज रही डिस्ट्रिक्ट व्वज डिजन व्वज जहाँ सब रही से विषय में आप डाउट क्लीयर हो फॉर्म आवेदन करवा उचित ओके तबे चलो तो हम डिटेल्स जानिबा स्पेशली ओडिशा सबडिजनल स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रे ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट आसी किंतु मु आपनकु ए वीडियो रे स्पेशली फॉरेस्ट गार्ड विषय रे आपनकु कहिबे कारण फॉरेस्ट गार्ड रे 1677 पोस्ट अछि आ एथिरे दशम श्रेणी पास रे रहिछि एवं आपनकर वयस 18-43 वर्ष होउथिले आपन आवेदन करि परिबे मेल फीमेल समस्ते ओके तबे स्पेशली जेहेतु मु आपनकु फॉरेस्ट गार्ड विषय रे एथिरे कहउछि केवल कंप्लीटली आपनकु फॉरेस्ट गार्ड विषय रे डिटेल्स रे कहि दउछि एथिरे टोटल पोस्ट अछि 1677 पोस्ट फास्ट आमे जानिबा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्राइटेरिया बयस आ शिक्षागत योग्यता कौन मागुची आम जाना बयस मागुची एथिरे 18 वर्ष रु 38 वर्ष जनरल कैंडिडेट एवं 1 जनवरी 2023 की आप बयस काउंटिंग करेंगे जदि आपणकर बयस 18 वर्ष रु 38 वर्ष हो तो आपड़ आवेदन करें सहित बयस आपको रिलैक्सेशन दे जो कैंडिडेट एस सी एस टी एस सी बी सी कि कौन सी वर्गर से झीलटे हो महिलाटे तो से 5 वर्ष रिलैक्सेशन रही 38 वर्ष ये है आपंकर 543 वर्ष पर्यंत एक पिला आवेदन करेंगे बयसटा काउंटिंग आपंकर 1 जनवरी 2023 को आपंकर डेट ऑफ बर्थ मिसेबे जदि आपंकर बयसटी आपंकर हो जाऊँ 18-43 भितर आप फॉरेस्ट गार्ड टी आवेदन करेंगे क्वालिफिकेशन रही केवल दशम श्रेणी पास आपण दशम श्रेणी पास जदि कर तो यह आवेदन आपे ओके तबे लाइफ स्टक इन्स्पेक्टर और फॉरेस्टर पर प्लस टू साइंस रही प्लस टू साइंस पिला आवेदन कले केवल दशम श्रेणी पास कर जोटा कि मेट्रिक पास कर पिला फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड पर आवेदन करेंगे या विषय में कहबी तबे वर्तमान यही वीडियो में स्पेशली फॉरेस्ट गार्ड विषय में जानवा आम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बयस जानिले शिक्षागत योग्यता जानिले एथिरे फॉर्म टी मेल एवं फीमेल समस्ते आवेदन करेंगे जानवे जानिले एबे आम जानिबा ऑनलाइन अप्लाय जो करेंगे से कौन पैसा आपंकर पड़े ना ओके आपण ऑनलाइन अप्लाय फ्री रे ऑनलाइन अप्लाय करेंगे ओके एवं ऑनलाइन अप्लाय बेले बहुत सारा पिलांकर डाउट रहे जे आमे फोटो केमिति दबु फोटो रे सिग्नेचर दरकार कि नाही तो आपण फोटो विषय रे निश्चित पढ़ीदेवे जोटा कि मुँह भी आपको कहीदे जोटा कि रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो ही लगे जोटा कि आपणकर रिसेंट होता दरकार आपणकर कौन एथे सिग्नेचर बा व्हाइट ब्लू एपट सपट किसी लिखे ना आप रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्टे अपलोड करेंगे आपंकर सिग्नेचरटा जोटा भी अपलोड करेंगे से जोबाइल फॉर्म भरवे तो सहीटा क्लीयर होता दरकार भिजिबल होता दरकार ओके तो से आउ कि भी नुह जदि आपने फॉर्म भरुँचे फेब्रुआरी 2024 रिटर्न एग्जामिशन अच्छी ओके एवं रिटर्न एग्जामिशन पूर्व आपंकर एडमिट कार्ड टी आपण घर को आसब ना आपण को डाउनलोड करने पड़ो ऑफिशियल वेबसाइट रु जो फॉर्म भरुँ आपति ओडिशा सबडिजनल स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑफिशियल वेबसाइट रे फॉर्म भरुँचे आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा सेठ आप डाउनलोड करेंगे जदि बहुत सारा पिला अच्छा जो मैंने फॉर्म भरला भावुँचे आम घर को आसने भूली जाऊँ किंतु आप मन रखिए ऑनलाइन जो नोटिस आसो आपको लेटर जी आप भल मोबाइल नंबर जोटा कि आप ठीक है मेल आई टा ठीक देते छाड़ा तो आम जाना एवं सिलेक्शन प्रोसेस रे फास्ट रिटर्न एग्जामिशन हम रिटर्न पर आपंकर फिजिकाल एफिसीयंट टेस्ट फिजिकाल स्टैंडर्ड टेस्ट तापर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तापर आपंकर काउंसलिंग रही आपड़ जो पोस्ट देखुं जो पोस्ट कि आप भावुं डिविजन व्वज डिस्ट्रिक्ट व्वज जो पोस्ट रही से डिस्ट्रिक्ट व्वज आम डिस्ट्रिक्ट कम अच्छी ये डिविजन कम अच्छी आम फॉर्म पकेबू ना से सब भूल आपको लास्ट में कहीदे डिविजन डिस्ट्रिक्ट ये सब कौन आपदे कारण आपंकर काउनसलिंग अच्छी माने आपण मैंने आप मन इच्छा जो डिस्ट्रिक्ट चाहिए से डिस्ट्रिक्ट नहीं पारे जो चाहिए सही नहीं पारे से आपको भल मार्क रखापी पड़ो तापर आप निज चयस दे पारे तो एथेरे कौन जगह लेखा जाए आप अलग गोटे डिस्ट्रिक्ट पे से डिस्ट्रिक्ट नहीं पारे कितु लिखा जाए डिस्ट्रिक्ट व्वज आपंकर से डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग है से डिस्ट्रिक्ट भितर ही ट्रांसफर रोक अलग डिस्ट्रिक्ट
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନୁହେଁ। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଭର କରୁଛି। ତେବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ରିଟିନ୍ ରହିଲା, ରିଟିନ୍ରେ 150ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 150 ମାର୍କରେ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ୱେମାର୍କ ସିଟ୍ରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଓକେ ଏଥିରେ ସବୁଥିରେ ଯେତିକିଟା ଆମର ଟପିକ୍ ଅଛି, 6ଟି ଟପିକ୍ ଅଛି, ସବୁଥିରେ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସବଜେକ୍ଟରେ ଏବଂ 25 ମାର୍କରେ ଆସିବ ଏବଂ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ମ୍ୟାଥ, ଜିକେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ, ସବୁଥିରେ 25-25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 25 ମାର୍କ, ଏବଂ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ରହୁଛି। ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କ କଟିବ। ଆଗରୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେକି 0.25 ମାନେ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ କଲେ 1 ମାର୍କ କଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କ କଟିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ରିଟିନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଇଆର ସିଲାବସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ କୋର୍ସ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ତେବେ ରିଟିନ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ, ଯଦି ଆମେ FM ମନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବଳ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବା ଫରେଷ୍ଟର ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଓକେ ତେବେ ରିଟିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଅଛି, ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ରଖିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ଓକେ ରିଟିନ୍ରେ ST SC ଫିଜିକାଲ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ଏକ୍ସର୍ଭିସନ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, 30% ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ରଖିକି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯେତିକି ବି ରହିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 35% ମାର୍କ ରହିଛି। ତେବେ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 150 ମାର୍କରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ 30% ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଯଦି 45 ମାର୍କରୁ ଅଭବ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ SC ST ଓକେ ଫିଜିକାଲ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର 35% ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଯେଉଁଟା ରହିଲେ SC BC OBC ଅଦର ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ ପିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କ ରହୁଛି 35% ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ 35%। ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 3 ଟାଇମ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବ, ଯଦି ଆପଣ ରିଟିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ରିଟିନ୍ ପରେ 3 ଟାଇମ୍ସ ଡାକିବ, କିନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଏଥିରେ 7 ଟାଇମ୍ସ ଡାକିବା କଥା, ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଏ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ ବୋଧେ, କିମ୍ବା ଇଏ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ପରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବଥର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ ପିଲା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏଥିରେ 3 ଟାଇମ୍ସ ନୁହଁ, 7 ଟାଇମ୍ସ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ 3 ଟାଇମ୍ସ ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ଅଫିସିଆଲି ଦେଇଛି 3 ଟାଇମ୍ସ ଆମେ ମାନିବା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଇଏ 7 ଟାଇମ୍ସ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଓକେ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ୍ ଇଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ। ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟରେ ରହୁଛି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ ମାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବା UR SC BC SC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପୁରୁଷ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ST ପୁରୁଷ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 158 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ମହିଳା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 153 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ହାଇଟ୍ ହେଉଥିଲେ ତ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ଉଚିତ, ବା ଏତିକି ହେଉଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଓକେ ତା ତଳକୁ ହେଉଥିଲେ ହାଇଟ୍ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ଦେଇଛି ସବୁ ଚାକିରିରେ 163 ସେଣ୍ଟିମିଟର SC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାକିରିରେ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସବୁଠି ମଧ୍ୟ 163 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ କିନ୍ତୁ 158 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି। ଓକେ ହାଇଟ୍ ସେ ଏତିକି ମାଗୁଛି। ଆଉ ଅଲଗା କୌଣସି ବି ଚାକିରି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ମହିଳା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ ରହୁଛି 153 ଏବଂ 158, କିନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 153 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଚେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସେସ୍ ଚେଷ୍ଟ ମାଗୁଛି ଅଲଗା ସବୁଥିରେ, ଯେମିତିକି 76-79 ମାଗେ, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 81-86 ମାଗୁଛି। ଓକେ ଯଦି 81-86 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଚେଷ୍ଟ ଯଦି ନ ହେଉଥାଏ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ 4 ମାସ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଫର୍ମ ପକାଇବେ। ଓକେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଇଫିସିଏନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ବା ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଥିରେ କି କେବଳ ୱାକିଂ ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବା ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିବା, ଏଇଟା ଅଛି 25 କିଲୋମିଟର 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ତେବେ ୱାକିଂଟା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆପଣ କୌଣସି ବି ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଡରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ସ୍ପିଡ଼ ଚାଲିକି 25 କିଲୋମିଟର ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇପାରିବେ। ଓକେ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଦୁଇ ଥରରେ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। 25 କିଲୋମିଟର ଆପଣ ରନିଂ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲି ଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହୋଇଯିବ, ନହେଲେ ଟିକେ ଯଦି ଆପଣ ଜଗିଂରେ ଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପକାଇକି ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱାକିଂରେ ମଧ୍ୟ 16 କିଲୋମିଟର 4 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଓକେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କଟିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ 125% ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବ, ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି 1677 ପୋଷ୍ଟର 125% ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବ, ଏବଂ ତାପରେ
आपणकर शॉर्टलिस्ट हेबो एथरे शॉर्टलिस्ट हेला परे काउंसलिंग पय शॉर्टलिस्ट हेबो तो आपण माने भाबुथे जो पोस्ट बाहर छि से पोस्ट हमर डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्कल वाइज डिवीजन वाइज रहि छि तबे यही पोस्टटा आपण शॉर्टलिस्ट हे सारला परे आपणकर कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी समस्तनकर गोटे काउंसलिंग हेबो से काउंसलिंग समय रे आपण चॉइस करिवे जे आपण को डिस्ट्रिक्ट को बा को डिवीजन आपण नेबे जो माने हायर हाई मार्क रखुजनि से माने ही फास्ट फास्ट सिलेक्शन देबे आ आपणकर जो मानकर भी डिवीजन डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी आप सिलेक्ट करने चाहती प्रिफरेन्स देवाप चाहती आप फर्म भरला बेले जदि आप रही फास्ट आप प्रिफरेन्स कौटा देते फास्ट आप लाइफ स्टक देती फास्ट आप फरेस्टर देते फास्ट आप फरेस्ट गार्ड देते से प्रिफरेन्स हिसाब से आप डिस्ट्रिक्ट सर्कल डिवीजन सिलेक्ट करेंगे ताने नुहे आप फरेस्ट गार्ड्रे जो पोस्ट रही जो आप 74 पाखापाखी आप डिवीजन रही से डिवीजन में आप गोटे डिस्ट्रिक्टर पिला से ही डिस्ट्रिक्ट नहीं पारे समिति नुह ओके तो मुझे विषय में वीडियो आनी कि रोच सिलेक्ट लिस्ट में आपंकर डिस्ट्रिक्ट सर्कल डिवीजन वाइज आप सिलेक्ट रही है कैटेगरी वाइज सिलेक्ट रही है आपण मैंने जो चाकरी पाइबे जो डिस्ट्रिक्ट जो जो डिस्ट्रिक्ट चूज कर जो सर्कल जो डिवीजन तो से डिस्ट्रिक्ट भितर ही आपंकर चाकरी ट्रांसफर हम से डिस्ट्रिक्ट बाहर को आपंकर ट्रांसफर ना जदि ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट बाहर को होती बहुत पाठ तेज से डिस्ट्रिक्ट सर्कल डिवीजन रही ओके आपंकर रिजल्ट ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन ऑफिशियल वेबसाइट रे रिजल्ट आसीबो रिजल्ट आसला आपड़ चाकरी पाइबे एबे आमे जानिबा जे पोस्ट वाइज वैकेंसी तबे जेहेतु मु आपनको एथरे फॉरेस्ट गार्ड विषय रे कहि छी तनो फॉरेस्ट रे फॉरेस्ट गार्ड रे जो पोस्ट वाइज वैकेंसी रहि छी से विषय रे मु आपनको टिके समय करे कहि दउ छी जोथरे कि आपनकर डाउट टिक क्लियर हे जइबो ओके तबे जो फॉरेस्ट गार्ड रहि छी किंतु एथि आपन जानि रखिबा उचे जो फॉरेस्टर पोस्ट सेटा होछि सर्कल वाइज टेरिटोरियल सर्कल ओके तो एथरे आपन छः सतट अच्छी मुझे आपको कंबाइंड रिक्रुटमेंट प्रिफरें कहले आपदेवी कि जो फॉरेस्ट गार्ड रही दशम श्रेणी पास ना तबे फॉरेस्ट गार्ड रे टोटल आपंकर डिवीजन कैडर रे रही तबे जो डिवीजन कैडर अच्छे मुझे गोटे दुटा बुझे दूसरे टोटल पोस्ट टोटल डिवीजन रही 74टा डिवीजन ओके तो आपड़ी भल भाव देखिपारे टोटल डिवीजन रही सरी 76टा डिवीजन ओडिशा 30टा डिस्ट्रिक्ट 76टा डिवीजन रही तेज ये जो 76टा डिवीजन तो से आपण मानकर चाकरी कौटी कौट रोन जो पाइबे कौन से रोज ना आपंकर चेंज हम तो यहीटा जो पिलार रोच डाउट रोचे मुझको डायरेक्ट कहीदी जे ये डिवीजन आपणकर फर्म टी आप भरला फॉरेस्ट गार्ड जब सिलेक्शन करो कैटेगरी भी होता ना कहीं आपण को रिटिन क्वाफाए कर सारापर आपणकर फिजिकाल सारापर आप गोटे काउनसलींग हम भुवनेश्वर तो से आप चूज करेंगे कौ डिजन चाकरी करेंगे आप जो डिस्ट्रिक्टर पिला कहीं आपड़ कौ डिजन में पोस्ट टी ना चाहते मन करूँ गोटे ढेंकानाल पिला से कह ना मोर बर्तमान मुझे सातकोशिया संबलपुर हीराकुद ड्याम रहा चाहिए तो सेठिकार पोस्ट नहीं मुझे यहाँ रिलेटेड एक भिडियो पोस्ट आनी स्पेशल भिडियो आनी जो थी आप डिटेल्स बुझीपारे तेज ये जो डिस्ट्रिक्ट डिजन वाइज रही समस्ते सब पिला चाहिए जो निज डिस्ट्रिक्ट रही ओके से सत कथ कि कौन पिला चाहती अलग डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट नापी ओके तेणु आपंकर जो डिवीजन सिलेक्ट करवा एपंकर कौन प्रॉब्लम ना आपने फर्म भरवे जे आप कहें ना मोर डिस्ट्रिक्ट तो मात्र 28टा पोस्ट अच्छी मुझ फर्म भरवि मोर तो एसी में गोटे पोस्ट अच्छी मुझ फर्म भरवे स्पेशली आपज निज कैटेगरी फर्म भरवे यूआर में कहीं भरीदेव ना ओआर में अधिका पोस्ट अच्छी मतलब मिलजा बोली एससी बी सी आपटेगरी पिला आप एससी बी सी फर्म पकेबे एससी पिला एससी में पकेब एस टी पिला एस टी पकेब यूआर पिला यूआर में पकेब जदि आप भाँचे मोर तो ये गोटे पोस्ट अच्छी मुझ अलग पोस्ट नहीं पारि सतटा पोस्ट नहीं पारि हाँ आपड़ आपण डिजन में जब पकाउं जदि आपणकर मार्क जी एससी में जाक रोचे तो आप एससी पाइबे तो जदि आपठ अधिक जाग कौन पाइबे कितु आपंकर डिजन वाइज जहाँ भी जो जी भी पोस्ट रोना कहीं तो आप सब निज कैटेगरी में फर्मटा पकेवा बेटर रोज आ सहित आपंकर चाकरीटा जो रहा डिजन वाइज चाकरी रहा तो से डिस्ट्रिक्ट्रे जो कम पोस्ट अच्छी आप फर्म भरवे सेमती करेंगे ना मन करूँ आपणकर ये गोटे पोस्ट रही है टोटल ना गोटे पोस्ट मात्र अच्छी ओके
ये जो गोटे डिविजन अच्छी जोटा कि कटक गोटे डिविजन ये आपंकर गोटे पोस्ट रही तो आपण मैंने भावे कटक डिस्ट्रिक्ट पिला जे ये गोटे पोस्ट अच्छे मैंने कटक आहरी भी डिविजन अच्छे ता सहित कटक पिला जो मैंने भल मार्क रखे से अलग जेकोसी चयस करेंगे काउनसिलिंग बेले आपसी जगार पोस्टा भी नहीं पारे मन इच्छा नहीं पारे ओके मोर जमी कि बहुत भल भल पोस्ट रही भल भल डिविजन रही है आप डिविजन सिलेक्ट करेंगे नहीं पारे पीडीएफ फाइल मुझे टेलीग्राम छाड़ दूँ टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में पाइबे आदि आपने क्लास यहाँ चाहते मुझे जो क्लास लॉन्च करी फॉरेस्ट गार्ड पर आपदेवी और आपड़ी चाहते जॉइन करने ऑनलाइन क्लास आपने जॉइन करेंगे ये थी पूरा डिटेल्स जब किसी कह चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे चैनल को फास्ट टाइम सब्सक्राइब करेंगे आप सहित सेयर करेंगे रोचे धन्यवाद।